हेलो बेटा जी आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वंडरफुल 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 जो भी बच्चे जून 2024 दे रहे हैं भले ही जिन बच्चों का पहला फ्रेश तूफान अटेम्प्ट है या किसी कारण से कोई व्यक्ति पिछले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाया और वो जून ट्वेंटी थ्री जून ट्वेंटी दे रहा है आई थिंक नाउ इट्स पीक टाइम फॉर ऑल ऑफ यू टू गिव योर बेस्ट फूड फ्रंट अभी समय आ चुका है less than 2 months are remaining for the examination and i guess all of you are in a very good mindset to study for the examination why am i here i'm here to just talk about a few minor things and thereafter i'll be done and आप लोग तूफान तरीके से आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ाते रहिए आप लोगों को मेरी तरफ से हम सबकी तरफ से जो जो चीजें चाहिए वो सब तूफान तरीके से plan तरीके से आप लोगों तक पहुंचने वाली है be it old syllabus be it new syllabus har cheez outstanding तरीके से आपको मिलेगी ensure करना है आपको क्या आपको सबसे पहली चीज जो इंश्योर करनी है ये दिमाग में बैठा लेना है कि जो हमारी ताकत है जितना हम जी जान लगा सकते हैं जितना हम हमारा बेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं वो हमें परफॉर्म करना है अगले दो महीने के अंदर तो अभी के लिए गोल ये होना चाहिए कि अगला जो हमारे पास में समय है ये जो हमारे पास में अभी समय बचा है अभी से लेकर एग्जामिनेशन तक का इस पर हमें हमारे हंड्रेड परसेंट हमें हमारे टू परसेंट एफर्ट देने हैं टू क्लियर द एग्जामिनेशन दैट बी द फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप हमें अभी से एक प्रेपरेशन करके रखना है क्लियरली कि एग्जाम के दिनों में हम कैसे मैनेज करने वाले हैं अभी आप लोगों का जो रिविजन चल रहा है उसमें अभी से प्लान करके रखो कि एग्जाम के सेवन डेज एट डेज फोर डेज थ्री डेज जो भी आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं सब्जेक्ट्स हैं उसके हिसाब से आपने कैसे प्लान करके चलना है वो अभी से सोच के रखो स्पेशली दो स्किट्स विल बी राइटिंग बोथ द ग्रुप्स टुगेदर प्रोफेशनल हो एग्जीक्यूटिव अगर आप दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हैं तो अभी से एक प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको एग्जाम के एक दिन पहले कैसे पढ़ना है हम लोगों ने क्लास में ही वैसे ही समरी नोट्स बना रखे हैं हमने हाईलाइटिंग कर रखी है तो वी आर वेरी मच प्रिपेयर्ड कि कैसे जाना है बट फिर भी कोई भी चीज अगर आपको लगती है तो उसके लिए अभी से प्लान करके रखो एग्जाम के एक दिन पहले कैसे पढ़ना है तीसरी चीज और मेरा मानना है सबसे अहम चीज बी इन अ वेरी गुड माइंड सेट अपल द एग्जामिनेशन डोंट लेट एनीथिंग डिस्टर्ब यू कोई भी चीज़ अगर आपको लगता है कि ये मुझे डिस्टर्ब कर सकती है तो उसको थोड़ा सा खुद से वीड आउट कर लो दूर कर लो लिमिटेड दोस्तों के साथ रहो लिमिटेड बात करो पढ़ाई से रिलेटेड डिस्कशन कुछ और करो ना दिन का आप दस मिनट का ब्रेक लेते हो घर वालों से बात करते हो फ्रेंड से बात करते हो पढ़ाई के रिलेटेड बात मत करो कुछ और बात करो टेक अ फ्रेश ब्रेक डोंट कंपेयर योर प्रिपरेशन जब हम ज्यादा डिस्कशन करते हैं पढ़ाई से रिलेटेड तो हमारी प्रिपरेशन कंपेयर हो जाती है एक बहुत खूबसूरत चीज़ है अबाउट द एग्जामिनेशन आई हैव सीन पीपल रिवाइजिंग वंस ट्वाइस एंड क्लियरिंग द एग्जामिनेशन एंड किड्स हु आर इवन रीडिंग इट फॉर फाइव टाइम्स एंड अनएबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन तो हमें रिविजन करना है जैसे कि आइडियली थ्री रिविजन कहते हैं एग्जामिनेशन से पहले तक पेपर में घुसने के पहले आपको तीन बार सब चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए वो आइडियल कहा जाता है लेकिन आप अपने पास कितना समय है उसके हिसाब से प्लानिंग करो डोंट क्रिएट एनी बेस डोंट हैव अ बेस कि ये बेस है इससे मैं पीछे बढ़ रहा हूँ या मैं आगे जा रहा हूँ बाकीियों की प्रिपरेशन ऐसी चल रही है मेरी ऐसी चल रही है कोई आप बेस मत रखो आप अपने तरीके से पढ़ो और अपने तरीके से बेस्ट परफॉर्म करके एग्जामिनेशन में जाओ कुछ जो एक बेसिक कहते हैं ना कि यह चेकलिस्ट है अगर ये सब है देन यू आर डूइंग बेस्ट पहली चीज उसमें आ जाती है कि आपने सिलेबस का कवरेज अच्छे से रखा है कोई भी चीज आप ऐसे छोड़ के नहीं गए हो सिलेबस का कवरेज आपने परफेक्ट रखा है ठीक है दूसरी चीज हो जाती है एग्जामिनेशन के दौरान एग्जाम के एक दिन पहले आप ऑर्गेनाइज तरीके से रिवाइज कर पाए हो तीसरी चीज हो जाती है कि आप उन थ्री आवर्स के अंदर एक फ्रेश एकदम मक्खन तरीके से थ्री आर में हंड्रेड मार्क्स का पेपर लिख के निकल पाए हो और आखिरी चीज़ की पेपर देने के बाद आप मुड़ के भी उस पेपर के बारे में सोच नहीं रहे हो तो डिस्कस नहीं कर रहे हो कितना सिंपल है कितना आसान है ये कुछ बेसिक चीजें भी अगर आपने फॉलो की तो यूल टू ए मी ठीक है तो एकदम मजे से रहो ऐसे ही पढ़ते चलो आप बच्चों के लिए अभी सारे सब्जेक्ट्स बीट ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस सबके अमेंडमेंट सेशंस बोल दीजिए वो सब आ जाएंगे एमसीएस के अंदर ओल्ड सिलेबस में जो भी नए आ, केसेस ऐड हुए वो सब आ जाएंगे तो आप बच्चों के लिए अमेंडमेंट्स आ जाएंगे फॉर ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस सब बच्चों के लिए आ जाएगा न्यू सिलेबस के लिए तो खैर नेग्लेजेबल अमेंडमेंट्स है ज्यादा कुछ खास है नहीं ओल्ड सिलेबस के बच्चों के लिए शायद ज्यादा हो सकते हैं एकदम मजे में रहो और आप इंस्टीट्यूट का सप्लीमेंट देख के कभी डरा मत करो इंस्टीट्यूट के सप्लीमेंट में वो क्या करते हैं पिछले दो साल के अमेंडमेंट दे देते दे हैं तो वहां पे आपको देख के ज्यादा लगता है बट आपको अगर आप अभी पहली बार दे रहे हैं तो आपने तो क्लास अभी भी की है तो आप पूरे अपडेटेड सिर्फ लास्ट के छह महीने के कुछ अमेंडमेंट्स पढ़ने होंगे और अगर किसी व्यक्ति का अटैम्प भी लगा था किसी कारण से तो आप पिछले अटैप तक तो अपडेटेड है ही सही तो आपको बहुत नेग्लेजेबल पढ़ने थोड़े से पढ़ने, तो चिंता मत करो और फर्दर पढ़ने भी अमेंडमेंट्स तूफान तरीके से आएंगे ठीक है तो आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए फॉर न्यू सिलेबस सी आर बी आई सी एफ एस एम एट प्रोफेशनल्स एंड फॉर न्यू सिलेबस सी एम एस एल एट एग्जीक्यूटिव आपको पता ही है आपके लिए आउटस्टैंडिंग हर चैप्टर का रिविजन रिकॉर्ड कर दिया गया अब क्या करेगा मैं बस उन सबको एक मर्ज करके एक पूरा तूफान सा मैराथन बना दूंगा

आप चैप्टर वाइज के अंदर प्रॉपर आपको शेड्यूल मिल जाएगा कि कौन सा चैप्टर कहां पे कितने के लिए है अगर आप यह भी देख लेते हैं तो यू आर सुपर सॉर्टेड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सुपर सॉर्टेड एकदम तक सिर्फ ऐसा ही नहीं है इवन फॉर ओल्ड सिलेबस के ऑल द कंटेंट आपके लिए प्रॉपर मेरे जो चैप्टर वाइज रिविजन हैं वो सब चीजें यूट्यूब पर ऑलरेडी प्रॉपरली मैंने पोस्ट कर रखी है और फ्रेश कंटेंट भी आएगा लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है यार आपको इंश्योर करना है कि जो रिसोर्सेज हैं वो आप परफेक्ट तरीके से रेडी रहो आपके लिए अभी आई एम प्लानिंग अनदर थिंग आई एम प्लानिंग एक आईसीडीआर का टू फन और आपके लिए लेकर आने वाला तो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ, कुछ कुछ ना कुछ नया आपके लिए आता रहेगा जैसे कि मैंने कहा कि ओल्ड सिलेबस एमसीएस के बच्चों के लिए केस लॉस भी आएंगे आप बच्चों ने क्या करना है आप बच्चों ने बस अपना बेस्ट परफॉर्म करने के लिए रेडी रहना है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आई विल पोस्ट अ पीडीएफ दिस पीडीएफ विल हैव ऑल माय रिवीजन वीडियोस के यूट्यूब लिंक्स जनरली क्या होता है कि यूट्यूब जो वीडियोस होते हैं वो थोड़े से बिखरे हुए होते हैं जैसे कि हमारा जो मेन यूट्यूब चैनल है दैट इज़ इंस्पायर अकेडमी उस पर सारे के सारे ये मैराथन जो भी बोल रहा हैं वो भी वहाँ पर आएगा जो रिविजन होते हैं वो भी वहाँ पर होते हैं बट वो इतने सारे अदर वीडियोज़ भी होते हैं कि आपको कभी एग्जैक्टली exactly जो चाहिए वो मिलता नहीं है तो यहाँ पर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आई गिव यू अ यूट्यूब का लिंक एक पीडीएफ जिसमें सारे यूट्यूब के लिंक रहेंगे यू विल गेट एवरी थिंग इन वीडियो, इन दैट पी हर एक चीज हर एक चीज जो आपको चाहिए कि वहां पर होगा मेरा यह मानना है कि अगर कोई सेल्फ स्टडी वाला स्टूडेंट है और वो ईमानदारी से अगर इन चीजों को भी अच्छे से देखता है और पढ़ाई करता है तो आई डोंट थिंक कोई भी ताकत आपको रोक पाएगी स्पेशली ओल्ड सिलेबस सिक्योरिटीज लॉ के लिए तो इतना कंटेंट है

इसके अलावा भी और कुछ भी मुझे लगता है कि फ्रेश सेशंस जैसे कि इंस्टीट्यूट ने न्यू सिलेबस सी प्रोफेशनल के लिए एक मॉडल क्योंकि न्यू सिलेबस तो तो जो जो पहुंचता रहेगा आप बस ये चीज इंश्योर करो कि आप अपनी प्रेपरेशन फुल फ्लजेड तरीके से कर रहे हो मेरा यह मानना है बहुत ज्यादा शो शाह करके पढ़ाई करने से बेहतर है कि आप पूरा गायब होकर पढ़ाई करो और

फर्दर जो टेलीग्राम चैनल्स हैं वन इज शुभम सुखलेचा मेटोरशिप वन इज इंस्पायर अकेडमी इस पर आप चिपकके रह रहे हो तो आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा आई इवन पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम बट अगर अभी आप इंस्टाग्राम छोड़ चुके हो तो इट इज वेरी वेल कोई परेशानी नहीं है आप इन्श्योर करोगे आप यहां पर चिपके हुए हो एंड यूल गेट एवरी पॉसिबल थिंग द बेस्ट पॉसिबल रिविजन्स विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम दिस साइड अब बस ये चीज ध्यान रखो यार जो भी ये जो पी है ना आपके लिए एकदम तूफान पी आएगा इंपॉर्टेंट यूट्यूब लिंक्स दिस विल हैव एवरी थिंग ये बस आप ये अपने पास में रख लो अगर आपके पास में ये है यूल हैव एवरी पॉसिबल थिंग हर चीज आपको इसके अंदर मिल जाएगी जिन जिन चीजों की आपको जरूरत होगी आप मेरे स्टूडेंट हैं तो ऑलरेडी तो आपको प्ले लिस्ट में सारे रिविजन में दे चुका हूं तो चिंता करने की बात नहीं है अगर आप मेरे स्टूडेंट नहीं भी हैं आप यूट्यूब स्टूडेंट भी हैं तो ये सब कंटेंट जो है यहां पर आपको मिलेगा एंड यू विल मतलब यूल सी यूल सी द डिफरेंस